M8 का मॉडल मिल जाएगा। ये M8 की गेमिंग स्टिक कहलाती है, जिसके अंदर आपको अराउंड 18 से 20 हज़ार के करीब जो है आपको सेगा अटारी निंटेंडो DS गेम बॉय गेम बॉय एडवांस प्ले स्टेशन आपको जो है X2 का मॉडल हमारे पास मिलता है। इसके अंदर आपको 35,000 के करीब गेम्स मिल जाती हैं। उसमें हमें कहते हैं कि यार हमें GTA लेवल की गेम्स खेलनी है या हमें ऐसी गेम खेलनी है जिसमें थोड़े ग्राफिक्स अच्छे हो, मिसाल के टेकन 5 हो गई, टेकन 6 हो गई, ये थोड़ी हेवी ग्राफिक्स में आती है। प्लेटफॉर्म यानी MLA के प्लेटफॉर्म के साथ आती है। MLA का प्लेटफॉर्म जो है ना आपको कुछ मैंने आपको बताया, ये गॉड ऑफ वॉर हो गई, इसका असैसिन्स क्रीड है, रेसिडेंट इविल है, साइलेंट हिल है, गेम्स इसके अंदर चलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की गेमिंग स्टिक है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का फंक्शन भी मिलता है और गेमिंग का फंक्शन भी मिल जाता है, और आपका टीवी जो है इस स्टिक की वजह से एंड्रॉइड प्लस गेमिंग बन जाएगा। लेटेस्ट 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल आपके सामने रखेंगे। मॉडल का नाम है G7 यूनिवर्सल एडिशन, जिसकी बहुत ज़्यादा हम मोड समझा देता हूँ। बहुत ही क्लासी एलिगेंट डिज़ाइन के साथ ही हाई क्वालिटी कंट्रोलर्स हैं वो आपको मिलते हैं। ओपन यूट्यूब वो चेक कर सही मतलब। अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के मिलते हैं, जैसे निंटेंडो 64 है, गेम बॉय कलर है, गेम बॉय एडवांस है, सेगा जेनेसिस है, नियो जियो है, प्ले स्टेशन है, ये पनिशर है, पता नहीं क्या क्या अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आ गया हूँ अदनान भाई के पास, और यहाँ पे आने का मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे इनके पास बहुत ही बेहतरीन और VIP लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गेम बॉक्स आ गए हैं, मतलब वो गेम बॉक्स भी होने वाले हैं, मेरे ख्याल से एंड्रॉइड बॉक्स भी होने वाले हैं। तो अभी मजीद इसके बारे में डिटेल लेंगे, इनसे बात करेंगे और आपको ही बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का सर, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे यूवर्स को बता देंगे इस वीडियो में क्या लेके आए आप हमारे यूवर्स? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टेक्को स्टाइल जो है वो यूनिक गैजेट्स के ऊपर डील कर रहा है, तो हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गेमिंग प्लस एंड्रॉइड बॉक्सेस अगर सिर्फ गेमिंग बॉक्सेस चाहिए आपको, उसका मल्टीपल जो है वेरिएशन के साथ बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आए हैं, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अंदर आपको एक से एक स्पेशल गैजेट्स दिखाएंगे और क्या नई चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो। तो हमारे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक देखो तो आपको अच्छे से पता चलने वाला है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब आपके साथ भी शेयर करते हैं। जी अदनान भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, तो सबसे पहले क्या दिखाना चाहेंगे आप हमारे? जी सबसे पहले हम जो है गेमिंग की जो गैजेट्स है ना उनकी तरफ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास रेट्रो गेमिंग्स का बहुत बड़ा कलेक्शन आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप बेशुमार गेम्स जो है आपको खेलने को मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर आजकल काफ़ी जो है लोग गेमिंग की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और एक ट्रेंडिंग मॉडल्स बन चुके हैं, तो इसके अंदर हम कुछ काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं सोच रहा कि आपके पास भी लेटेस्ट मतलब कलेक्शन आता रहता सारा का सारा, और वो आता है जो किसी के पास भी नहीं मिलता। ऐसा ही है, तो बिल्कुल, और काफ़ी कस्टमर्स के फीडबैक होते हैं, लोग हमें पूछते हैं कि यार फला गैजेट ऐसा आता है, हम अनाउंस भी करते रहते हैं, तो लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स की तरफ हम जो इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेमिंग स्टिक में। हमारे पास जो है कम से कम बजट के अंदर आपको लेना है तो आपको हमारे पास से ये M8 का मॉडल मिल जाएगा। ये M8 की गेमिंग स्टिक कहलाती है, जिसके अंदर आपको अराउंड 18 से 20 हज़ार के करीब जो है गेम्स आप उसके अंदर खेल सकते हैं। 20,000 गेम्स जी, इसके अंदर है। जी सिर्फ इसके अंदर एक छोटी सी स्टिक होती है, इसके अंदर आप इतनी बड़ी गेम इतने लेवल की गेम्स जो खेल सकते हैं। ये बेसिकली रेट्रो गेमिंग्स का कलेक्शन होता है, इसके अंदर आपको सेगा अटारी निंटेंडो DS गेम बॉय गेम बॉय एडवांस प्ले स्टेशन पोर्टेबल इस लेवल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसकी गेम जो है आप उसके अंदर खेल सकते हैं। तो मिनी गेम्स जितने भी जी मिनी गेम मिनी से लेके एवरेज लेवल तक आप गेम जो उसके अंदर खेल सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म गेम आपको उसके अंदर मिलती है। 2 वायरलेस कंट्रोलर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी टेक्को स्टाइल के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ 4,499 रुपये की, 4,500 रुपये में, सिर्फ 4,500 4,500 रुपये में 2 कंट्रोलर गेमिंग स्टिक सारा सामान आप नॉर्मली कहीं और शॉप से लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही आप 6,500-7,000 रुपये की वो जो है सेल कर रहे हैं ऑनलाइन बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर विजिट करेंगे फिजिकली या घर बैठे भी मंगवाते आपको 4,500 रुपये। इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं इंशाल्लाह, आगे जो है वीडियो लंबी नहीं हो जाए क्योंकि बहुत सारी बॉक्सिंग है, तो हम कोशिश करेंगे किसी एक को अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर आपको तकरीबन 20,000 के करीब गेम्स मिल जाती हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा गेम्स चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको आप कुछ लोग कहते हैं यार हमें थोड़ी सी मतलब गेम्स का कलेक्शन ज़्यादा चाहिए, हो सकता है कि कुछ गेम्स के अंदर ना मौजूद हो, तो उसके बाद आपको जो है X2 का मॉडल हमारे पास मिलता है। इसके अंदर आपको 35,000 के करीब गेम्स मिल जाती हैं, 35,000 उसके अंदर 20,000 थी, इसके अंदर 35,000 के करीब गेम्स हैं। इसमें भी आपको सेगा निंटेंडो निंटेंडो गेम बॉय एडवांस इस तरह की सेगा जेनेसिस लेवल की गेम बॉय कलर्स की भी आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। इस तरीके से इसके अंदर आपको निंटेंडो सुपर फेमिकॉन लेवल की गेम्स भी मिल जाती हैं और प्ले स्टेशन के कुछ बड़े गेम्स आपको इसके अंदर खेलने को मिल जाते हैं। बाकी जितनी क्वांटिटी आपने गेम्स की बताई है तो बहुत ज़्यादा ही होने बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर आपको किसी को एक्शन एडवेंचर खेलना होता है, किसी को रेसिंग वर्सेस होती है, कोई रोल प्लेइंग खेलना चाहता है, कोई ओपन वर्ल्ड खेलना चाहता है, तो इसमें कुछ
जाहिर सी बात है गेम के इंजीनियर्स और गेम के जो ग्राफिक्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो इस लेवल के हार्डवेयर भी आपको चाहिए। तो अगर कम लेवल की गेम्स अगर आपको खेलनी है, मिनिमम बजट आपका बजट कम है, तो आप एम8 की तरफ जाएं, लेकिन आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप X2 की तरफ जाएं। इसके अंदर आपको X2 की प्राइस है आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी 6000 रुपए की, 6000 रुपीज में आप X2 ले जाएं, 35000 प्लस गेम्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी गेम ये तो खत्म ही नहीं होगी जी सर, आप देखें 35000 आप रोज की भी एक खेले तो पता नहीं आपको आई थिंक 10 साल लग जाएंगे, मेरे ख्याल में साल में 365 दिन होते हैं, परमानेंट ही हो जाएगी, बस लगा दो और जब दिल करे एक गेम प्ले करें। साल में 365 दिन होते हैं, एक गेम को एंड करने में काफी टाइम लग जाता है, ऐसा ही है, टाइम के दिन लग जाते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ गेम जो है लॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जब रोल प्लेइंग एक्शन स्टोरी लाइन वाली गेम्स होती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है, मिशन बेस्ड होती है, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात ज्यादा टाइम, इससे बड़ी गेम अगर आपको चाहिए, मिसाल के कुछ लोग हमें कहते हैं कि यार हमें GTA लेवल की गेम्स खेलनी है या हमें ऐसी गेम खेलनी है जिसमें थोड़े ग्राफिक्स अच्छे हो, मिसाल के टेकन 5 हो गई, टेकन 6 हो गई, ये थोड़ी हेवी ग्राफिक्स में आती है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप K8 की तरफ जाएं। K8 का मॉडल आपको मिलता है, ये भी एक गेमिंग स्टिक है, 3D गेम्स के साथ आती है, थोड़े हेवी प्लेटफॉर्म यानी एमुलेट के प्लेटफॉर्म के साथ आती है। एमुलेट का प्लेटफॉर्म जो है ना आपको कुछ बड़े लेवल की गेम्स ऑफर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये गॉड ऑफ वॉर हो गई, इसका असैसिन्स क्रीड है, रेसिडेंट इवल है, साइलेंट हिल है, गेम्स इसके अंदर चलेंगी जी बिल्कुल, प्लेस्टेशन PSP लेवल की गेम्स जो है ना कंप्यूटर में खेला करता था, तो ग्राफिक कार्ड मांग रहा होता था, ग्राफिक कार्ड वो इसके अंदर बिल्ट इन, क्योंकि इससे कुछ अब जाहिर सी बात है वो जमाना था, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं डिवाइसेस हार्डवेयर छोटे होते जाते हैं और परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, पहले जमाने में बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब आपके सामने स्मार्टफोन आ गया, लेकिन चीज सेकंड 2, 3, 4, 5, 6 आपको 30,000 के करीब गेम्स मिलती है, 30,000 इंक्लूडिंग वो बड़ी गेम्स, ठीक है, बड़ी गेम्स के साथ आपको 30,000 कलेक्शन मिलता है, ये आपको टेक्नोस्टर के प्लेटफॉर्म से मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए का, सिर्फ 7,000 रुपए में, 7,000 7,000 रुपए में तो उस तरह की मिल रही होती है जो आपने पहले बताया, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको 7,000 में K8 का मॉडल मिल जाता है, 6,500 की तो पता नहीं इतने की ये मिल रही होती है, मैं वीडियो बनाता रहता हूं, आई थिंक जाता हूं दुकानों में, इसे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को रिलीफ दें, जहां पर प्रॉपर जो जायज होता है, जो जायज जो अमाउंट है वो हम उनसे चार्ज करते हैं, माशाल्लाह प्राइसिंग तो बहुत ही रीजनेबल बता दी आपने, अच्छा और मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि यार ये तो ठीक है गेमिंग स्टिक्स है कि हमें गेम्स वगैरह खेलें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें एंड्रॉइड फंक्शन भी मिल जाए एक ही गैजेट के अंदर प्लस गेमिंग का फंक्शन कॉम्बो में, एंड्रॉइड प्लस गेमिंग, तो सर उनके लिए भी हमारे पास मॉडल मौजूद है, पहला मॉडल हम आपके सामने लिखते हैं, दो बॉक्सेस लगाने की नीड ही नहीं है, एक के अंदर ही दोनों फीचर, टू इन वन फंक्शन जिसको हम कॉम्बो कहते हैं, उसमें हमारे पास ये गेमिंग स्टिक है X2 वाली, ठीक है, बहुत ही कमाल की गेमिंग स्टिक है, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का फंक्शन भी मिलता है और गेमिंग का फंक्शन भी मिल जाता है, तो इसके अंदर दोनों चीजें मिल जाएंगी, दोनों चीजें आपको एक ही प्राइस के अंदर 35,000 से जायद का कलेक्शन, आई थिंक अराउंड 36 to 37 तो मैंने देखा था, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बताऊँ तो 35,000 तक का कलेक्शन तो आपको उसके अंदर मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन चीज बता दी आपने, मतलब कि दोनों मजे ले लो, YouTube वगैरह exactly. भी चलाओ, Android का भी सब कुछ चलाओ, उसके अलावा गेम्स खेलनी है तो गेम्स के ऑप्शन में चले जाओ, वहाँ गेम्स भी आप खेल सकते हैं, दोनों डबल फंक्शन है, आप गेम्स भी खेलें, टीवी भी चलाएं, आप अपना सादा टीवी, क्योंकि एंड्रॉइड फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके घर में सादा टीवी है जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, उसको आप ये स्टिक से कनेक्ट करेंगे वो आपका टीवी स्मार्ट हो जाएगा, यूट्यूब चल जाएगा, प्ले स्टोर चल जाएगा, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चल जाएंगी, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा उसके अंदर, प्लस जो है गेम्स भी आ जाएंगी, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज बता दी, मतलब ये तो एक अलग ही लेवल बता दिया आपने, लेवल में पहुंच गया आपका, एक सादा टीवी एंड्रॉइड प्लस गेमिंग बन जाएगा, सही, ठीक है, अगर इसके भी प्राइसिंग की बात करें तो इसका क्या होने वाला है सर, ये अगर आप टेक फॉर सेल के प्लेटफॉर्म लेते हैं 8,500 रुपए, 8,500 रुपए बस, 8,500 रुपए, ये तो बहुत ही रीजनेबल, 8,500 रुपए में आपको एंड्रॉइड प्लस गेमिंग के स्टिक का जो है ये मॉडल मिलता है, इसको हम आपको दिखा देते हैं कि ये गेमिंग स्टिक, आपने पूछा था कि यार वो अनबॉक्सिंग, तो मैं आपको एक समझाने के लिए कि गेमिंग स्टिक होती है इसके अंदर इन तमाम चीजों के अंदर क्या सामान आता है, जब आप इसको खोलते हैं ना तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का सामान मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है और ये स्टिक होती है बेसिकली, ठीक है ना, गेमिंग छोटी सी स्टिक होती है, ये देखें ये पिन होती है, ये सीधी आपके LED के अंदर जाके लग जाएगी, HDMI की पोर्ट में लग जाएगी और आपका टीवी जो है इस स्टिक की वजह से एंड्रॉइड प्लस गेमिंग बन जाएगा, जिसको लगाने से इस छोटी सी स्टिक में दुनिया मौजूद है, क्या कमाल है यार, क्या क्या बना दिए टेक्नोलॉजी, अब ये स्टिक के साथ आपको फिर इसके बाकी सामान मिल जाता है, मिसाल के तौर पे आपको ये इसका छोटा सा डोंगल मिलता है, इससे ये दोनों जो कंट्रोलर्स जो इसके अंदर दिए हैं ना ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, सही सही सही, ये देखिए ये वायरलेस कंट्रोलर, ये कनेक्टिविटी के लिए होता है, ये डोंगल आप स्टिक के साथ लगाएंगे तो इसके साथ हमें ये स्टिक्स मिल जाते हैं, जी कंट्रोलर मिल जाते हैं, गेमिंग कंट्रोलर मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत सारा सामान मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखें इसके साथ इसका अपना रिमोट है, जाहिर सी बात है जब आपको टीवी से ऑपरेट करना है तो रिमोट चाहिए होगा। इसके साथ इसको रिमोट मिलता है, इसके साथ इसकी जो है ये पावर एडाप्टर मिलती है, देन इसके साथ इसकी HDMI की एक्सटेंशन मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी LED के अंदर पिन जो है बहुत अंदर की तरफ होती है, तो आप क्या करें कि अपनी जो है स्टिक को इसके साथ कनेक्ट करें, वायर आपको एक्स्ट्रा मिल गई, कनेक्टर दे दिया ताकि आपका रेंज जो है ना वो प्रॉपर आपको मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, सारा सामान आपको कंप्लीट सामान है, सारा सामान मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारा जो चीजें ना आपको फिर से बताएंगे 8,500 रुपये। अच्छा एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन कहीं भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज का थोड़ा सा पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट पर हमारा मौजूद है, हमारी वेबसाइट है www.techforstyle.com, वहाँ से कांटेक्ट करें, फेसबुक पे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, यूट्यूब पे, जहाँ से भी आपको कांटेक्ट करना है आप करें, अपना नाम एड्रेस फोन नंबर शेयर का नाम भेजें, आपका पार्सल COD पर आपको आपके घर पे पाकिस्तान में 2 से 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा। चले बहुत ज़बरदस्त हो गया सर। अच्छा इसकी जो है कैश ऑन डिलीवरी है, और इवन काफ़ी लोगों को मसला होता है कि यार पार्सल का मतलब क्या चीज़ भेजेंगे, तो आप पेमेंट से पहले पार्सल खोल के भी चेक कर सकते हैं, अलाउड ओपन की फैसिलिटी है, अलाउड ओपन भी दे दिया मतलब खोल के देखें, अगर पेमेंट से पहले आप पार्सल खोल लें तसली करें यही चीज़ है देन आप पेमेंट करें। दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बेहतरीन बात बोल दी। अच्छा चले अब थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ते हैं और भी बता देंगे और क्या है जी। अब हम चलते हैं अल्टीमेट गैजेट की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि वन इन वन मैन आर्मी और बेहतरीन इस वक्त का लेटेस्ट 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल आपके सामने रखेंगे। एंड्रॉइड प्लस गेमिंग का गैजेट है बट कुछ नए फीचर्स के साथ। उस मॉडल का नाम है G7 यूनिवर्सल एडिशन, जिसकी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूज डिमांड आई, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। इसकी खास बात यह है कि ये एंड्रॉइड प्लस गेमिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको बड़े लेवल की गेम्स भी इसके अंदर मिलती हैं, प्लस इसके अंदर एंड्रॉइड के लेटेस्ट फीचर्स भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जो इसका रिमोट है वो सादा रिमोट नहीं, इसके अंदर आपको सिंपल रिमोट मिलता है, जैसे कि स्टिक में आपको बताया था, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है। मिसाल के तौर पे कुछ रिमोट पुराने होते थे जिनको टीवी के सामने रखना होता था, उसको हम IR रिमोट कहते थे, इंफ्रा रेड वाला सिस्टम होता था, आप सामने ये ब्लूटूथ रिमोट है बिल्ट इन, आप कहीं से दूसरे कहीं से कोई दूसरे कमरे से भी ऑपरेट करेंगे जो है वो इजीली आपके टीवी पे कनेक्ट हो जाएगा, और उसी रिमोट के अंदर वॉइस का फंक्शन भी मौजूद है, आप रिमोट में जो बोलेंगे वो सर्च कर देगा, मतलब वॉइस कमांड का भी वॉइस कमांड उसके अंदर मौजूद है रिमोट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आपको 2 कंट्रोलर्स हाई क्वालिटी कंट्रोलर्स मिलते हैं, व्हाइट कलर की जो है लेटेस्ट एलिगेंट डिजाइन के साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर साइड में कुछ सारा सामान भी मिलता है, दिखता है कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ आपको मिल रही है। ठीक है, ब्लूटूथ वॉइस रिमोट लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो बहुत ही कमाल की जो है वो डिवाइस है, ये देखें मैं आपको बता दूँ, ये चेक करें, छोटी सी डिवाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े लेवल के काम है। मैं आपको इसकी पोर्ट्स समझा देता हूँ, बहुत ही क्लासी एलिगेंट डिज़ाइन के साथ है। 2 USB की पोर्ट्स आपको मिलती हैं, इसके अलावा इसके अंदर IR का जो पावर एडोप्टर की जो पिन है वो लगती है। अच्छा इसकी खास बात है AV, इसमें अगर आपके पास पुराने ज़माने का डब्बा टीवी है जो पहले आते थे जिसमें HDMI नहीं लगती थी, AV TV की तार लगती थी, वो भी आप इसको लगा के अपने डब्बा टीवी को भी स्मार्ट कर सकते हैं। सच में मतलब जी, वो भी लग सकती है, आपके पास LED नहीं है, ठीक है, आपके पास वो पुराना डब्बा टीवी है, तो आप उसको लगा के उस डब्बा टीवी को एंड्रॉइड प्लस गेमिंग बना सकते हैं। ये तो बहुत ही बेहतरीन फीचर दे दिए, ये दे दिया HDMI का ऑप्शन जैसा कहता वो भी है। अगर आप वायरलेसली अपने टीवी से इंटरनेट नहीं कनेक्ट करना, वायर इंटरनेट से लगाना चाहते हैं, तो इथरनेट केबल दी हुई है, इंटरनेट की तार यहाँ लग जाएगी, आप चाहे तो वायरलेस चाहे जो आपको, और ये जो है DC पावर एडाप्टर की जो पिन होती है ना वो यहाँ लग जाती है। तो ये सारे छोटी सी डिवाइस है, बाकी हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें इसको मिल रही है। बड़ा धमाका होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही, दिखने में छोटी है, काम इसके साथ इसका जो है वो पावर एडाप्टर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ जिससे पावर ऑन कर, इसके देखें 2 कंट्रोलर बहुत ही प्यारे किस्म के जो है, व्हाइट कलर के जो उसके कंट्रोलर, कलरफुल कंट्रोलर हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी कंट्रोलर हैं वो आपको मिलते हैं। अच्छा इसके अंदर मतलब 2 कंट्रोलर जी, 2 कंट्रोलर आपको इसके साथ मिल जाते हैं, मैं आपको जो है दिखा देता हूँ, ये आ गया, इसके बाद इसकी HDMI केबल आपको मिलती है। ठीक है, इन दोनों कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए डोंगल होता है, आप वही सेम डिवाइस लगाएंगे तो 2 कंट्रोलर वायरलेसली कनेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर आपको ये जो मैं इसकी मैं बात कर रहा था, ये है वो ब्लूटूथ वॉइस रिमोट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिमोट है, ये देखें, ये ब्लूटूथ वॉइस रिमोट है और ये वॉइस का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमें टाइप करने वाला मसला नहीं है, टाइप करने का मतलब बोल के आप सर्च कर लेंगे, वॉइस कमांड का जो भी बता रहे हो भी सर्च करना, वो मुंह से बोल, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये वॉइस ऑपरेट होती है, इसका भी डेमो दिखाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको कंपनी का ऑफिशियल वारंटी कार्ड भी मिलता है, G7 यूनिवर्सल एडिशन का वारंटी कार्ड भी साथ में आता है, 1 साल की इसकी वारंटी और इसका वन ईयर की वारंटी पूरी ऑफिशियल आपको इसके साथ मिल जाती है। तो ये कुछ हमने अनबॉक्सिंग कर ली इसकी, अब हम इसका जो है वो डेमो करते हैं। जी अनान भाई, डिवाइस कनेक्ट कर दी, उसको बता दें हमारे व्यूअर्स को कुछ। बिल्कुल जुनैद भाई, अब हम जो है इसका डेमो छोटा सा करेंगे। ये डिवाइस हमने देखा आपके सामने कनेक्ट कर दी है, टोटल 2 वायरों से कनेक्ट होती है, 1 HDMI आपके टीवी के साथ जाके लगेगी, तो उसका टीवी का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और दूसरा पावर एडाप्टर लगेगा। ये 2 कंट्रोलर हमने इसके सामने रखे हैं, और ये
वॉइस रिमोट भी इसके साथ मौजूद है। अच्छा, ऑन होने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड, ये एंड्रॉइड 14 का जो डैशबोर्ड है ये कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड है, मीन्स अगर आप इसमें यूट्यूब आपके पास मौजूद है या नेटफ्लिक्स आप देखते हैं तो आपकी जो सर्चिंग होती है ना उस हिसाब से ये डैशबोर्ड चेंज होता रहता है। तो आपको डैशबोर्ड पर आपकी रिकमेंडेशन देता रहता है कि आपको जो मनपसंद चीज़ है वो डैशबोर्ड पर ही मिल जाती है। अब आप चाहें तो ये ब्लूटूथ रिमोट, जैसे मैंने आपको बताया ठीक है, ये ब्लूटूथ है, मैं कहीं से भी इसको ऑपरेट करूंगा, देखें ये चल रहा है ठीक है, मैं हाथ रख दूंगा ये चल रहा है, मतलब कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है। ब्लूटूथ रिमोट है, आप चाहें तो डायरेक्टली उस चीज़ को सर्च करें ठीक है, या आप चाहें तो वॉइस पर सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब खोलना चाह रहा हूँ तो मैं वॉइस को प्रेस करूँगा, ओपन यूट्यूब, वो चेक करें। सही, मतलब उसने वो नीचे ये कमांड रिसीव करी इसने और ये आपके सामने ओपन कर दिया इसने यूट्यूब ठीक है। ये वॉइस बेस्ड भी फंक्शन है, बेहतरीन फीचर हो गया, जो लोग लिख भी नहीं सकते उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है कि बस मुंह से बोला और चीज सामने आ गई। या तो आप चाहें तो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं गेम्स के लिए तो आप कंट्रोलर से भी अपना एंड्रॉइड बॉक्स जो है वो चला सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोलर से चला रहा हूँ ठीक है, कोई भी आप गेम खेल रहे हो साथ साथ एंड्रॉइड फीचर यूज़ करना चाह रहे हैं, करना कुछ नहीं, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आप प्रेस करेंगे ए का बटन, जो कंट्रोलर है तो ए का बटन प्रेस करेंगे, रिमोट है तो ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये नेटवर्क की सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना वायरलेसली कोई भी नेटवर्क वाईफाई है वो कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ में जाएंगे तो ब्लूटूथ का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, मीन्स कोई वायरलेस डिवाइस है, हेडफोन्स है, हेडसेट है, ब्लूटूथ स्पीकर है या कोई भी ऐसी चीज़ें लैपटॉप है वो सारी डिवाइसेस यहाँ ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। हाँ, ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है, वाईफाई प्लस आ गया, टेंशन ही खत्म। हाँ, वाईफाई प्लस कोई भी वायरलेस डिवाइस यहाँ से कनेक्ट हो जाती है ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है। वाईफाई से आप कनेक्ट करेंगे यूट्यूब और दीगर एप्लीकेशन चालू हो जाएंगी। अब हम इसका गेमिंग का फंक्शन देखते हैं कि जैसे ही आप गेम खोलेंगे तो गेम में क्या उसके अंदर आपको सिस्टम मिलता है, कि मैंने गेम का सिस्टम जो है वो ऑन कर दिया। अच्छा, ये भी गेमिंग का सेशन आ गया जी, ये देखें। अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के मिलते हैं, जैसे निंटेंडो 64 है, गेम बॉय कलर है, गेम बॉय एडवांस है, सेगा जेनेसिस है, नियो जियो है, प्ले स्टेशन, PSP, आप अपनी फेवरेट में डाल सकते हैं, आर्केड का कलेक्शन आपको मिलता है। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म है इसमें, रोल प्लेइंग, एक्शन एडवेंचर, वर्सेस है, रेसिंग है, फाइटिंग है, स्टल्थ है, किस लेवल की गेम खेलनी है, ओपन वर्ल्ड खेलनी है, क्लोज खेलनी है, सब मिल जाता है। कुछ बड़ी गेम्स भी हैं, तो बड़ी गेम्स हैं जैसा कि आपको मिसाल के तौर पर टेकन लेवल की गेम्स में 5-6 खेलनी है या गॉड ऑफ वॉर खेलनी है, इस तरह की गेम्स आपको खेलनी है वो इसमें मिल जाती है। वो हर किसी के जो अपना कलेक्शन उसके अंदर, मतलब गॉड ऑफ वॉर इस तरह की गेम आपको PSP में मिलेंगी, टेकन वाली जो है वो आपको उसके अंदर अपना निंटेंडो वगैरह के अंदर मिल जाती है, एक्शन फाइटिंग, किंग ऑफ फाइटर, पुराने जमाने के किंग ऑफ फाइटर, आर्ट ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर वो भी मिलती है, नए जमाने की गॉड ऑफ वॉर टेकन लेवल की वो भी मिल जाती है। आप नीचे हम ऑल के अंदर जाएंगे तो आपको ऑल के अंदर इसकी फिगर नजर आएगी यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सर्च करें 28,000 प्लस गेम्स का कलेक्शन के अंदर मिल जाता है आपको। क्या बात है, सारी गेम्स होने वाली, थक जाएंगे सर आप, थक जाएंगे बिल्कुल, गेमें खत्म नहीं होंगी, मतलब बहुत सारी हैं जी बिल्कुल, प्ले करने बैठे तो आप ऑल गेम में जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। अभी लिस्ट खुल गई, ये देखें ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये है इसका गॉड ऑफ वॉर है, कैडिलैक है, कैप्टन कमांडो है, ये पनिशर है, पता नहीं क्या क्या स्ट्रीट फाइटर लेवल की गेम्स आपको नजर आ जाती है ठीक है। सही, ऑल द वे डाउन, बेहतरीन, ऑल ओवर सारा का सारा कलेक्शन, सारा का सारा कलेक्शन आपको मिल जाता है ठीक है। ये गेमिंग का कलेक्शन हो गया, इसके अलावा जाहिर सी बात है क्योंकि ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है तो उसके अंदर आपको चैनल्स, मूवीज, टीवी सीरीज, इस तरह की अगर आपको जो ये फैसिलिटी, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है, किसी कस्टमर्स को पता करना है तो हम आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर इसकी डिटेल दे देंगे। आप इसके अंदर चैनल्स भी देख सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, टीवी सीरीज भी देख सकते हैं, दुनिया भर के चैनल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर आप इंडियन, पाकिस्तानी, वर्ल्ड वाइड चैनल्स देख सकते हैं, 12,500 से ज्यादा चैनल्स का जो है आप कलेक्शन इसके अंदर देख सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको ये बॉक्स प्रोवाइड करता है। बहुत बेहतरीन डिटेल दिया अदनान भाई आपने। अच्छा, अभी थोड़ी सी प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग क्या होने वाला है? हमारा सबसे अल्टीमेट मॉडल है ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आता है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये का, सिर्फ 12,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये दो कंट्रोलर, हाई फाई, ब्लूटूथ, वॉइस रिमोट, 28,000 गेम्स का कलेक्शन और जो बेशुमार एंड्रॉइड के फंक्शन वो सब आप चला सकते हैं। आपने बताई तो 12,000 रुपये, तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो जो फीचर आपने बताए और जिस तरह की गेम्स की कैटेगरी आपने बताई तो वो गेम तो नॉर्मली डिवाइस में चलती नहीं है, जो इसके अंदर रन हो रही है। तो बाकी अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें हमारे यूजर्स को, फिजिकली अगर आप ऑनलाइन आपसे बाय करना चाहे तो, ऑनलाइन अगर आप बाय करना चाहते हैं फर्स्ट में, हम फिजिकली अगर आप कोई आना चाहता है तो बड़े मशहूर सदर मोबाइल मार्केट कराची में मशहूर है, यहाँ पर आप आएंगे स्टार सिटी मॉल के बिल्कुल ही सामने है अल नजीबी टावर, बड़ी 15 माली की बिल्डिंग है येलो कलर की, इसमें आपको आना है 12th फ्लोर पे। तो एड्रेस कुछ है, ऑफिस नंबर 1210 12th फ्लोर अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर मोबाइल मार्केट कराची, ये हमारा पूरा एड्रेस है। फोन नंबर है 03212433749 और 03222150361। ये दो नंबर आप मुझसे, मेरी टीम से व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं, या वेबसाइट से ऑर्डर देना चाहते हैं तो www.techforstyle.com या YouTube, Facebook,
व्हाट्सएप वगैरह पे, जाहिर सी बात इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी आप मुझसे मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मैंने आपको पहले बता दिया है, होम डिलीवरी अवेलेबल है, पार्सल अलाउड टू ओपन है पेमेंट से पहले, और एक साल की वारंटी आपको बड़ी डिवाइसेस का भी मिल जाती है। चले बहुत ज़बरदस्त हो गया अदनान भाई, यही नंबर मैं स्क्रीन के राइट साइड पे भी मेंशन कर दूंगा, किसी को आपकी ये ऑफिस नहीं मिलता तो इजीली आपसे कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पे विजिट कर लेगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।